गाइस स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम करेंगे कुछ इंस्टा की ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग, जो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे भाई। तो ऐसा एडिटिंग करना चाहते हैं बिल्कुल मेरी तरह ऑयल पेंट वाली, तो वीडियो पे बने रहिएगा। आप वीडियो के एंड तक देखना है मेरे भाई, तभी आप ऐसा ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं तो समझ नहीं आता है आप लोगों को कि ऐसा एडिटिंग कैसे हो गया है। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है मेरे भाई। अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, तो मैं वहाँ से आप लोगों को बता सकता हूँ वहाँ से भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई मैं अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में लेकर आ चुका हूँ। ये रहा मेरा फ़ोटो, यहाँ से क्लिक कर लेंगे। इतना करने के बाद मेरे भाई इस लाइट पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। ये रहा लाइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम जाएंगे। इसमें जाने के बाद मेरे भाई इसकी एक्सपोजर को लगभग इतना बढ़ा लेंगे, कंट्रास्ट को माइनस रखेंगे, हाईलाइट को फुल माइनस रखेंगे, शैडोज़ को बढ़ाएंगे, वाइट को भी माइनस रख लेंगे, अब ब्लैक को भी माइनस रख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम इस कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये रहा कलर का ऑप्शन, इसमें जाने के बाद मेरे भाई इसकी वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे। ये रहा वाइब्रेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा वाइब्रेंस, लगभग इतना रख लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से हम लोग डन कर देंगे मेरे भाई। डन करने के बाद मेरे भाई इस कलर को पे क्लिक करेंगे, इसकी सैचुरेशन लगभग इतना बढ़ा देंगे। फिर इस कलर पे जाएंगे तो इसकी सैचुरेशन माइनस रखेंगे, लुमिनेंस को इतना बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद मेरे भाई इस पे जाएंगे ग्रीन वाले कलर पे, इसकी ह्यू को एकदम माइनस रखेंगे, सैचुरेशन को एकदम प्लस रख लेंगे, इसकी भी सैचुरेशन एकदम लुमिनेंस को प्लस रखेंगे। फिर इसमें जाने के बाद इतना सबका लुमिनेंस और सैचुरेशन को रख लेंगे, ठीक है। और फिर इतना करने के बाद यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। डन करने के बाद मेरे भाई इफ़ेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा इफ़ेक्ट का ऑप्शन, दिखा दे रहा हूँ। इस पर हम लोग जाएंगे, क्लियरिटी को माइनस रखेंगे, फिर विगनेट को भी माइनस रख लेंगे इतना। इतना करने के बाद डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, उसके बगल में ये रहा डिटेल का ऑप्शन। डिटेल पर जाने के बाद मेरे भाई सरफेनिंग को बढ़ा लेंगे, मैकिंग को भी बढ़ाएंगे, नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ाएंगे, कंट्रास्ट को भी बढ़ाएंगे, कॉलर नॉइज रिडक्शन को बढ़ाएंगे, डिटेल को 100 रखेंगे, स्मूथिंग्स को 100 रखेंगे। फिर ये रहा ओपिसिटी का ऑप्शन मिलेगा मेरे भाई, इसकी ओपिसिटी दोनों को हम लोग ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद मेरे भाई इस पर शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने फ़ोटो को शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक में। मेरे भाई मैं अपने फ़ोटो को ऑटोडेस्क स्केच बुक में लेकर आ चुका हूँ। इसमें आने के बाद इस टूल्स पे हम लोग जाएंगे, ये रहा टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाने के बाद मेरे भाई हम लोग ब्रश को चूज़ कर देंगे, हम लोग इसी ब्रश का यूज करेंगे जो जिस पे मैं क्लिक किया हूँ, इसी ब्रश का यूज करेंगे। इसकी सेटिंग देख लेंगे, यहाँ से जितना सेटिंग रख रहा हूँ उतना ही रखना है मेरे भाई, सेटिंग देख लीजिएगा। दो रखना है फेलो को, स्ट्रेंथस को 1 रखना है मेरे भाई। इतना ये तो साइज अपने हिसाब से रख लीजिएगा। इसके बाद डन करने के बाद अपने फ़ोटो को जूम करके ऐसे ऐसे फेस पे ड्रॉ करेंगे तो अपना आपका फेस स्मूथ होगा, काफ़ी अच्छा हो रहा है स्मूथ, देख लीजिए। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मैं अपने फेस को जल्दी जल्दी स्मूथ कर ले रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी स्किप कर देंगे। तो आप लोगों को स्किप नहीं करना है, अभी बहुत सारा स्टेप बाकी है जो सब बताने वाला हूँ ऑयल पेंट में। तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा मेरे भाई। अगर प्लीज़ मेरे भाई अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वो फोटो एडिटिंग से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, और सारा स्टेप बताऊँगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप छोड़ने वाला नहीं हो। अगली नेक्स्ट वीडियो में बस ऑटोडेस्क के ऊपर वीडियो बनेगा, जिसमें बस उसमें ही बस बैकग्राउंड चेंज किया जाएगा, फेस स्मूथ किया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है बस, और एक लाइक कर देना है। तो मेरे भाई मैं अपने फेस को स्मूथ कर लिया हूँ, देख लीजिए। इतना करने के बाद मेरे भाई यहाँ से अपने फ़ोटो को शेयर कर लेंगे फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है मेरे भाई।
तो मेरे भाई मैं अपने फ़ोटो को फिर लाइट रूम एप्लीकेशन में लेकर आ चुका हूँ। लाइट रूम में आने के बाद फिर इस लाइट पे जाएंगे हम लोग। लाइट पे जाने के बाद इसकी एक्सपोजर को लगभग इतना रख लेंगे, कंट्रास्ट को माइनस रखेंगे, हाईलाइट को इतना माइनस रखेंगे, शैडोज को बढ़ाएंगे लगभग इतना, वाइट को भी बढ़ाएंगे मेरे भाई, या ब्लैक को माइनस रख लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद उसके बगल में ये रहा कलर का ऑप्शन, इस पर हम लोग जाएंगे। कलर पे जाने के बाद मेरे भाई फिर इस वाइब्रेंस पे क्लिक करेंगे, लगभग इतना बढ़ा लेंगे हम लोग। वाइब्रेंस बढ़ाने के बाद फिर यहाँ से मिक्स कर लेंगे। मिक्स पे जाने के बाद इस कलर पे हम लोग जाएंगे, इसकी सेचुरेशन इतना बढ़ाएंगे, फिर इस कलर की सेचुरेशन माइनस लुमिनेंस को इतना प्लस रखेंगे। फिर येलो पे जाएंगे, इसकी सेटिंग देख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, इसकी सेटिंग लगभग इतना हम लोग रख लेंगे। ग्रीन पे जाने के बाद इसकी भी सेचुरेशन लुमिनस को इतना रखेंगे, सेचुरेशन सबका इतना लगभग माइनस रख लेंगे हम लोग, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से मेरे भाई डन कर लेंगे। डन करने के बाद मेरे भाई इफ़ेक्ट पे फिर जाएंगे, ये रहा इफ़ेक्ट का ऑप्शन। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद मेरे भाई इसकी क्लियरिटी को भी लगभग इतना बढ़ा लेंगे, ठीक है। बिगनेट को इतना रख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसकी फिर डिटेल के ऑप्शन पे जाएंगे, ये रहा डिटेल का ऑप्शन, सॉरी मेरे भाई, ये रहा डिटेल का ऑप्शन। इसकी शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे, मैकिंग को भी बढ़ाएंगे, नॉइज को भी बढ़ाएंगे, कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, फिर डिटेल को 100, स्मूथनेस को 100, फिर इसकी ओपेसिटी को हम लोग ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद मेरे भाई फिर यहाँ से शेयर कर देंगे अपने फ़ोटो को टूल बीज एप्लीकेशन में, जहाँ से अपनी फ़ोटो को बिल्कुल ऑयल पेंट करेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। मैं अपने फ़ोटो को टूल बीज एप्लीकेशन में लेकर आ चुका हूँ। इस पर जाने के बाद इफ़ेक्ट पे फिर इसमें भी जाएंगे। इस पर जाने के बाद मेरे भाई ये रहा सॉफ्ट स्मूथिंग, इस पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें जाने के बाद मेरे भाई ये सेकेंड वाला हम ब्रश चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये रहा मास्क मिलेगा, यहाँ से मास्क कर लेंगे। इस पर हम लोग क्लिक करके और फिर हम लोग इस कर क्लीन करके अपने फ़ोटो को जूम करेंगे, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे ऑयल पेंट। तो मैं अपने फ़ोटो को कर ले रहा हूँ ऑयल पेंट फ़ोटो एडिटिंग, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, प्लीज़ मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बस ऑटोडेस्क स्केच बुक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, पूरा फुल ट्यूटोरियल रहेगा ऑटोडेस्क में। उसमें भी बस फेस स्मूथ और बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बता देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।